दोस्तों नमस्कार आदाब सत श्रीकाल न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कई ऐसे इश्यूज़ पर जो मिलकर एक बड़ा सवाल उभारते हैं ये क्या है बड़ा सवाल कि जिस तरह अपने देश में अपने समाज में इन दिनों हो रहा है जिस तरह का राजकाज है और उसमें जिस तरह की एक अराजकता की एक संगठित कल्चर कई बार अराजकता यूँ होती है जैसे लगता है कि उसके पीछे कोई संगठन नहीं है लेकिन यहाँ एक योजनाबद्ध अराजकता दिखाई देती है ऐसा लगता है कि अगर किसी चीज़ से आपका ध्यान हटाना है देश का समाज का अवाम का तो कुछ ऐसा कर दिया जाए कि कुछ फ़ायदे की चीज़ हो जाए पूरे देश में तबाही का आलम है आर्थिक मोर्चे पर कश्मीर में जो हो रहा है पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है लेकिन चीजों से कैसे ध्यान हटाया जाए और कैसे ध्यान हटाते हुए उन चीजों से अपना मकसद भी पूरा किया जाए यह है पॉलिटिक्स अब एक छोटी सी घटना में बताऊं आपको जो बहुत बड़ी घटना बन गई है यानी बड़ी प्रक्रिया बन गई है बड़ी परिघटना बन गई है कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया तुगलकाबाद इलाके में रविदास मंदिर को डिमोलिशन के लिए उस पर डीडीए ने फौरन कार्रवाई कर दी एक दिन क्या दो दिन का इंतजार किसी तरह का कंसल्टेशन करने के बजाय उन्होंने फौरन स्ट्रेटजी बनाई और कुछ ही समय के बाद उसका डिमोलिशन हो गया इस पर देश में जो दलित समाज है खासकर दिल्ली में उत्तर भारत में आसपास के इलाके में वो पूरी तरह आक्रोश से भर उठा सवाल है कि ये क्यों किया गया रविदास मंदिर रविदास या रैदास हमारे देश की जो साझा संस्कृति है वो इसके एक, एक बड़े महान प्रतीक एक ऐसे प्रतीक जिन्होंने हिंदुस्तान में भारत में इंडिया में एक ऐसी साझा संस्कृति के विकास की बात की थी जिन्होंने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जहां अमीर गरीब की खाई ना हो जहां दमन का कोई नामो निशान ना हो जहां अत्याचारों का कोई सिलसिला ना हो और उस रहदास के साथ ये सलूक ये दिल्ली में जो डीडीए है जो केंद्र सरकार के अधीन है जो यहां के शहरी मंत्रालय के अधीन है अब सवाल इस बात का है कि सरकारें न जाने कितने फैसले कोर्ट्स के आते हैं लेकिन उनकी अपील उनके विरुद्ध करती हैं वो चाहती हैं कि और बड़े पीठ में वो मामला जाए कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और दोस्तों इस बीच में देश के अनेक हिस्सों में अनेक हिस्सों में आजमगढ़ सहित जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है वहां अंबेडकर की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया गया है यह हाल की एक बात है आखिर अंबेडकर को अभी आप कोट कर रहे हैं पार्लियामेंट से लेकर संसद से लेकर सड़क तक कि अंबेडकर साहब भी चाहते थे कि कश्मीर में आर्टिकल 370 का खात्मा किया जाए जब अंबेडकर का नाम लेना होता है अपने फायदे के लिए तो आप नाम ले लेते हैं आपने संसद से सड़क तक कहा कि डॉ भीमराव अंबेडकर ने कश्मीर में आर्टिकल 370 जो है उसको खत्म करने की बात की थी उसके खिलाफ वो थे उनके सपने को हमने पूरा किया है लेकिन उन्हीं अंबेडकर की प्रतिमाएं जब क्षतिग्रस्त की जा रही हैं तो आप खामोश यह अलग बात है कि अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 370 के खिलाफ उसको खत्म करने की बात कभी नहीं की ये बात हमने न्यूज क्लिक के अपने कार्यक्रम में कई बार साफ कर दी है अब एक और घटना घटती है साहब बड़ी दिलचस्प हम इन घटनाओं का एक आपके सामने सिलसिला पेश कर रहे हैं लेकिन इस सिलसिले में एक खास वजह ही नहीं है एक मकसद ही नहीं है इसके पीछे पूरी योजना नजर आती है देखने के लिए अलग अलग, अलग घटनाएं हैं लेकिन कितनी इसके बीच में एक तरह की आप यूं कहेंगे संयोजन है और वो क्या घटना है दिल्ली विश्वविद्यालय देश का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय उसके गेट नंबर चार पर जो सेंट्रल आई मीन जो कैंपस है उसके गेट नंबर चार पर अचानक रातों रात जो बीती रात है एक दिन पहले की बात है भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस के साथ सावरकर साहब सावरकर साहब की भी प्रतिमा लगा दी गई और त्रिमूर्ति के रूप में पेश की गई त्रिमूर्ति जब पेश की जाती है तो आमतौर पे ये उसमें माना जाता है कि ये तीनों कहीं ना कहीं एक वैचारिक एक जुटता दिखाती हैं। ऐस इस तरह से प्रतिमा को पेश किया गया है पेश किया गया मानो कि तीनों एक हैं तीनों एक तरह के लोग हैं और उस त्रिमूर्ति को सेंट्रल गेट पर दिल्ली विश्वविद्यालय के स्थापित कर दिया गया है अभी कुछ ही घंटे पहले सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने देखा कि ये क्या अब सवाल इस बात का है कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों के फैसले के तहत ये हुआ है आखिर किन लोगों ने स्थापित की वहां प्रतिमा इन तीनों लोगों की हर विश्वविद्यालय या हर प्रशासकीय शासकीय जो भी कैंपस है वहां एक नियम होता है एक प्रोटोकॉल होता है एक तौर तरीका होता है कि कहीं भी मूर्ति लगाना हो कहीं भी कोई और कंस्ट्रक्शन करना हो उसकी बाकायदा जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं जो प्रशासन के लोग हैं उनकी मंजूरी ली जाती है लेकिन पता यह चला कि यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में हर कोई कह रहा है कि उसे नहीं मालूम उसे नहीं मालूम अगर आप रजिस्ट्रार से पूछिए तो वो कहते हैं विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से पूछिए विश्व वाइस चांसलर से पूछिए तो वो कहते हैं कि प्रशासन नीचे के लोग बताएंगे और कोई नहीं बता रहा है लेकिन बाद में ये पता चला है कि जो मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी है और उसको जो चलाने वाली जो आर है उससे जुड़े कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसके पीछे बताए जा रहे हैं अब हमारा ये कहना है कि शहीद आजम भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस दोनों काफी हद तक कहा जा सकता है कि आजादी की लड़ाई में अलग अलग सोच के बावजूद दोनों एक बड़े योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत ब्रिटिश हुकूमत के सामने कंप्रोमाइज की तो बात ही छोड़ दीजिए जिन्होंने भारतीय जनता भारत की आवाम के प्रतिरोध को सिंबोलाइज किया उसको प्रतीक दिया उसको एक तरह से आवाज दी और सावरकर साहब हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि उनकी आज़ादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं रही निश्चित रूप से भूमिका रही वो जेल भी गए उन्होंने कुछ अच्छी किताबें लिखी हैं खासकर जो 1857 के बारे में उनकी किताब है वो वो पढ़ने लायक है आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं मैं एक तरफा बात नहीं करता लेकिन ये सच है कि सावरकर साहब ने माफी मांगी और एक बार नहीं कई कई बार मांगी और इतिहास में ये दर्ज है ये डॉक्यूमेंटेड इविडेंस इसके लिए हैं यह कोई मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं इतिहास इसको स्थापित करता है तो जो जो व्यक्ति आजादी का एक बड़ा योद्धा भगत सिंह इतनी कम उम्र में कुर्बान हो जाता है देश के लिए जो शहादत देता है और अपनी फांसी के बारे में जब हुक्म होता है तो वो बताते हैं कि कैसे उनकी फांसी भारत की आजादी की लड़ाई को और आगे बढ़ाएगी और एक जो अपनी जान बचाने के लिए अंग्रेजों से माफी मांगता है दोनों की मूर्तियां आप एक साथ पेश कर रहे हैं आप इतिहास को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं आप इस देश की आजादी के लड़ाई के साथ एक नादानी भरी कार्रवाई कर रहे हैं या इसके पीछे कोई योजना है मुझे लगता है कि ये केवल एक शरारत नहीं है दरअसल इसके पीछे भारत की आज़ादी की लड़ाई को गलत ढंग से पेश करना और साथ ही साथ जो उनके अपने चहेते लोग हैं उनको बड़े जो हमारी आजादी की लड़ाई के प्रतीक हैं उनके साथ खड़ा करना ताकि लोग समझें कि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की तरह यह भी एक महान योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया और इस देश की आवाम के लिए लगातार लड़ते रहे जो एक छूट है इसलिए दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हुआ वो विचित्र बात है ये एक अजीब जानी पहचानी शैली है मैं जानी पहचानी शैली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक किसी ने नहीं कहा कि यह काम किसने किया लोग जो अखबारों में आज रिपोर्ट छपी है उसमें कहा गया है जो वेबसाइट्स पर आ रहा है सॉरी वेबसाइट्स पर जो आ रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि इसके पीछे वो कहानी है कुछ ऐसा ही उन्नीस में दिसंबर महीने में 22 तेईस संजोग है कि तारीखें भी आसपास हैं उन्नीस की एक रात 22 तेईस की रात आधी रात को संभवतः आधी रात के कुछ देर बाद अयोध्या की बाबरी मस्जिद के एक हिस्से में राम लला आदि की मूर्तियां किसी ने रखवा दी और सुबह जब हुई तो सात बजे सुबह देखा गया कि वहां कुछ लोग ढोल मजूरा बजा रहे हैं कुछ लोग अचानक जो हैं वो पूजा करने लगे हैं इसका साथियों मुकदमा अगली सुबह दर्ज भी हो गया मुकदमा संख्या भी मैं बताता हूं 215 अपराध संख्या एक सौ 12 तेईस बारह उन्नीस सौ उनचास उन्नीस बजे दर्ज उन्नीस मतलब सात बजे शाम किसी को नहीं मालूम था आईपीसी यानी ताजीरात हिंद की धारा एक सौ सैतालीस दो सौ पचानवे चार सौ अड़तालीस के तहत दर्ज ये मुकदमा अगले सत्तर अस्सी सालों पता नहीं कितने साल और बीतेंगे कितना और साल लगेगा कि एक भारतीय राष्ट्र राज्य को और पूरे समाज को इतनी तकलीफ देता रहेगा एक वो ये एक वो हादसा ये एक मुकदमा जो उस रात दर्ज हुआ जो वो घटना घटी मूर्तियाँ वहाँ पर ला करके डाली गई थी ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में डाली गई हैं दोनों की तुलना नहीं की जा सकती मैं जानता हूं दोनों अलग अलग ढंग की चीज़ें हैं लेकिन हमारा बस ये कहना है कि जिस तरह शैली कितनी एक सी है अंधेरी रात में कुछ लोग आते हैं मूर्ति स्थापित कर देते हैं अंधेरी रात में कुछ लोग आते हैं एक एक मस्जिद में पूजा जो दूसरे धर्म के जो पूज्य हैं आराध्य लोग हैं ऐसे देवताओं की मूर्तियां रख देते हैं तो न तो अपने धर्म और अपने देवताओं की उसमें श्रद्धा रहती है न उनकी इज्जत वो वो ध्यान देते हैं और न उन द, उस धर्म के लोगों की चीज़ों को ध्यान देते हैं जहाँ वो, वो मूर्तियों को स्थापित करने की साजिश रच रहे हैं अब उन्नीस की उस घटना को आज की जो जनरेशन है वो कैसे जानेगी और कैसे ये मानेगी कि वाकई वहां वो मूर्तियां बाहर से लाकर कुछ लोगों ने रखी थी और ये बात तो अगर आप कहें जैसा मैं आज कह रहा हूं तो अनेक लोग कहेंगे कि नहीं ये गप कर रहा है लेकिन यहां तो मैं आपके सामने भारत की पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और मुकदमे को मैं सामने रख रहा हूं तो दोस्तों यह कहानी उन लोगों की है जो रात के अंधेरे में न जाने इतिहास के साथ क्या क्या धोखाधड़ी करते हैं धर्म के साथ समाज के साथ और अब वो कहते हैं कि वो समाज को आगे ले जा रहे हैं आज जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं दिल्ली का रामलीला मैदान नीले पीले झंडों से अटा पड़ा है दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पूर्वी उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा से आए हुए दलित समाज के लोग बहुजन समाज के हजारों लोग इकट्ठा हैं और संत कवि महान समाज सुधारक रैदास या रविदास की जो प्रतिमा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है जो ध्वस्त की गई है प्रतिमा जो मंदिर को जो कई सौ साल बताते हैं कई सौ साल पुराना मंदिर है उसको जिस तरह से ध्वस्त किया गया है उसके खिलाफ प्रतिकार कर रहे हैं उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सवाल इस बात का है कि समाज में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये अराजक लोगों का काम है ये शरारती लोगों का काम है हम किसको किसको अराजक किसको किसको शरारती के रूप में आइडेंटिफाई करें यहाँ तो जो सज्जन अब हम तो सज्जन ही कहेंगे क्योंकि माननीय सदस्य हैं देश की लोकसभा के उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे की प्रशंसा में कुछ शब्द कहे थे ये बात उस समय है जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर का मामला चर्चित था नाथुराम गोडसे देशभक्त थे हैं और रहेंगे उन्हीं दिनों कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य जो संसद के भी सदस्य थे उन्होंने गोडसे की प्रशंसा की थी उनका नाम था नलिन कुमार कतिल लोगों ने समझा कि ये कोई यूं ही कोई गोट से जैसे आदमी की प्रशंसा कर रहा है लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं साहब उनकी जो साइट है वो किसी ने उस पर गलती से डाल दिया था उसको हैक कर लिया गया था उनके ट्विटर अकाउंट को वगैरह वगैरह हालांकि इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिला और हम सब जानते हैं कि इस तरह के लोग बयान कुछ देते हैं और असलियत कुछ होती है प्रज्ञा सिंह ठाकुर उसके उदाहरण हैं स्वयं गोडसे के पक्ष में बयान दे चुकी हैं और उससे उनकी पार्टी बाद में मुकर गई तो उन्होंने कहा हमको माफ कर दीजिएगा अब सवाल यह है कि आप एक तरफ बयान देती हैं और दूसरी तरफ कहती हैं कि साहब आप इस समय माफ़ कर दीजिएगा फिर आप दोहराती हैं फिर आप देहराती हैं तो वही नलिन कुमार कतिल जिनको हम लोगों ने समझा जैसे एक हेगड़े साहब हैं वो अक्सर भारत के संविधान के खिलाफ बरसते रहते हैं लेकिन बाद में उनकी पार्टी कहती है नहीं साहब ये उनकी अपनी विचारधारा है अरे भाई आपकी पार्टी के संसद सदस्य हैं वो मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं हैं और एक समय मंत्री भी थे कैसे उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है अब वही नलिन कुमार कतिल इस वक्त वाई यदुरप्पा साहब जो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं कर्नाटक भाजपा के जो चीफ थे उनकी जगह संपूर्ण कर्नाटका के बीजेपी के अध्यक्ष बना दिए गए हैं अब आप बताइए जो सत्तारूढ़ पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को मजबूत बनाने की बात कर रही है जो कह रही है कि हम अभूतपूर्व हैं बताया जा रहा है कि इस वक्त जो राजकाज संभाल रहे हैं लोग वो ऐसा कभी कोई कभी कोई नेतृत्व तो ही नहीं आया था इस देश में वो लोग नलिन कुमार कतील को अपनी पार्टी के स्टेट का अध्यक्ष बना रहे हैं क्या आपको नहीं लगता कि ये जो घटनाएं, जितनी घटनाओं का मैंने अभी जिक्र किया जो ताज़ा हैं जो बिल्कुल दो दिन के अंदर की घटी घटनाएं हैं क्या इन घटनाओं के बीच एक कहीं ना कहीं सूत्र नहीं दिखाई देते और वो सूत्र यह है कि हम ऐसा कुछ समाज में करें कि लोग अपने असल मसलों से ध्यान उनका हटता रहे बेरोजगारी से बेहाली से बाजार बुरी तरह जो टूट रहा है जिस तरह इकॉनमी ध्वस्त हो रही है सबसे लोगों का ध्यान हटे जिस तरह की सुपर इमरजेंसी लागू है कश्मीर में उससे लोगों का ध्यान हटे और लोग आपस में झगड़े आपस में मनमुटाव हो घृणा हो नफरत का सिलसिला और तेज़ किया जाए ये कुल मिलाकर एक योजना दिखाई देती है इस अराजकता के पीछे दोस्तों अंत में बस मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को हमारे समाज के जितने जिंदा दिल लोग हैं जो इस समाज को देश को बचाना चाहते हैं उनको ज़रूर सोचना चाहिए विचारना चाहिए और एकजुट होना चाहिए ताकि इस तरह की खतरनाक जो शक्तियां हैं उनको न केवल पहचाना जा सके बल्कि आम लोगों के बीच उनको बेनपा बेनकाब किया जा सके और सच के साथ खड़ा होने का साहस पैदा कर सकें हम अपने लोगों के बीच इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आदाब सत श्री अकाल you <laughs>